हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को। नहीं देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। देखिएगा, जैसे अपन बात करते हैं नॉर्मली इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनिक वर्ड की, कि ऑर्गेनिक वर्ड होता क्या है। देखिएगा, व्हाट डज द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स, कि ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है या ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, लाइफ, ऑर्गेनिक का मीन होता है लाइफ। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो वर्ड है, ऑर्गेनिक वर्ड जो लिया गया है वो ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग लाइफ। क्या हो जाता है? लिविंग लाइफ। ओके, फिर बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए गए हैं। तो अपन कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? पहले बताया जाता था कि इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्राप्त कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी जो की जाती है जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसे क्या कहा गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिएगा, कंटेंस कार्बन। कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहा जाता था? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि इट्स शो कैटेनेशन, ये कैटेनेशन शो करता है, या यूं कहें अपन, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू कंबाइन फॉर्मिंग लॉन्ग चेन। कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी होती है इसके पास। और ये कार्बन जो है अन्य एटम के साथ भी ऐड हो सकता है इस तरीके से। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू कंबाइन फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, तो उसे कैटेनेशन कहा गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसा माना जाता था। देखिएगा, यहां पर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वास्तव में होते क्या हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो कहा गया, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन। कार्बन से बने यौगिक क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। देखिएगा, जैसे ही अपन बात करते हैं यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो कैटेगराइज किया गया यहां पर, मैथेन कार्बन प्रेजेंट है, ग्लूकोज में कार्बन प्रेजेंट है, एथेनॉल में कार्बन प्रेजेंट है, CO2 में कार्बन प्रेजेंट है, CO में कार्बन है, Na2CO3 में कार्बन है, NaHCO3 में कार्बन है, और NH4CNO में भी कार्बन है। इट मीन ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए। और जिनमें कार्बन नहीं है, NaCl, HCl, H2SO4, ये सभी क्या है? NaOH, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए। तो देखिएगा, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है, तो इनको कहा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट रियल में ऐसा नहीं होता कि जिनके पास कार्बन हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। जैसे कार्बन है बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे CO हो गया, CO2 हो गया, मेटल कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, साइनाइड्स, ये साइनाइड्स हो गए, ये सभी क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, बिकॉज दिस कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, सही क्लासिफिकेशन क्या है? सो द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स इज, ये देखिएगा, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केवल ओनली आपके मेथेन, ग्लूकोज और एथेनॉल रखा गया है, बाकी ये सारे के सारे क्या हैं?
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो देखिएगा, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त जो यौगिक होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और जो नॉन लिविंग से मिल रहे हैं वो हो जाएंगे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एग्जांपल हो जाता है आपके सुगर, सुगर क्रिस्टल, देखिएगा यूरिया, यूरिया क्रिस्टल। ओके, फिर बात करते हैं स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज रॉक्स, मिनरल्स। ऑल मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, इन 1815 बिजेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। ये देखिएगा, बिजेलियस हैं आपके, इन्होंने क्या कहा? प्रपोज दैट ए वाइटल फोर्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसके लिए वाइटल फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, और इसी बेसिस पर इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी और कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहां पर वाइटल फोर्स मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं, इन्हें लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ओके, और ऑर्गेनिक वर्ड जो है, ऑर्गेनिक वर्ड भी इन्होंने ही दिया या ब्रिजिलियस ने ही दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, इन 1828 वॉलर, वॉलर सिंथेसिस, ये वॉलर है आपके, देखिएगा इन्होंने क्या कहा? सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसाइज किया। कैसे किया? इन्होंने देखिएगा, अमोनियम साइनेट लिया, ओके, अमोनियम साइनेट को भी दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया। कैसे? जैसे अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2KCNO पोटेशियम साइनेट, इसको हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर हीट करवाया, जिससे अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट मिला। अमोनियम साइनेट को वापस रीअरेंज करवा लिया गया, जिससे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया मिला। देखिएगा इधर, ये क्या है? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट क्या है? एक इनऑर्गेनिक साल्ट है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, इसको हीट किया गया, रीअरेंज किया गया, जिससे यूरिया मिला, जो एक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपन कह सकते हैं सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय वॉलर। देखिएगा, वॉलर सिंथेसिस के बाद कहा गया, सो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्प्रूव बाय वॉलर, वॉलर द्वारा वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्प्रूव की गई। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इन 1845 कोल्बे ने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज कर दिखाया आर्टिफिशियली रूप से। Synthesize acetic acid from its elements. Okay? Next देखिएगा, 1856 में Berthelot ने मेथेन को सिंथेसाइज किया। ये Berthelot है आपके, सिंथेसाइज मेथेन। अब कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ क्रस्ट, सी। अपन कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज किए गए या एक्सट्रैक्टेड किए गए। फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया वाज ऑब्टेन फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट, अमोनियम नाइट्रेट, ऑल ऑफ दिस। अपन कह सकते हैं आंसर यहां पर अमोनियम साइनेट हो जाएगा, NH4CNO। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपोर्टेंस क्या क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज किया जाता है इसमें। देखिएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में
मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर की जाती है, सेकेंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जैसे गैसेज, ऑयल, जेली, ठीक है, एलपीजी, केरोसिन, ये सारी क्या है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर हो रहे हैं। ओके, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। डाई इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में जैसे कलर पेंट वगैरह, जैसे पेंट कौन कौन से हो जाते हैं, इंडिगो, एजोडाइज, ओके। पॉलीमर इंडस्ट्रीज, पॉलीमर भी बनाए जाते हैं जैसे नाइलॉन हो गया, टेरिलीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपके बोटल्स हो गए, प्लास्टिक बैग हो गए, ठीक है, बोटल्स हो गई और प्लास्टिक बैग्स हो गए। जैसे प्लास्टिक बैग की बात करें, बोटल्स की बात करें, तो इनके मैन्युफैक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जैसे अपन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है और उनसे परफ्यूम, क्रीम, टेलकम पाउडर आदि तैयार किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज किया जाता है, जैसे बेकरी जो मटेरियल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, स्वीटनिंग एंड फ्लावरिंग एजेंट कंसिडर किए जाते हैं। ओके, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में खाद बीज बनाने में भी इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे यूरिया, पोटास। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी, कपड़ा उद्योग जिसे कहते हैं आप, ठीक है, कि क्लॉथ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के माध्यम से ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर की जाती है, जो पॉलीमर का ही पार्ट है, जैसे नायलॉन फाइबर हो गए, टेरिलीन फाइबर हो गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स यूज किए जा रहे हैं यहाँ पर आजकल। ओके, सोप इंडस्ट्री में देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट सोप प्रोडक्ट्स हैं। ओके, फिर देखिएगा, अपन कह सकते हैं मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये, इसकी ऑर्गेनिक की जो न्यू डेफिनेशन है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन की बात करें अपन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी जिस ब्रांच में की जा रही है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो देखिएगा, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमेरियस इन नंबर ड्यू टू हाई कैटेनेशन कार्बन एबिलिटी, कि इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों मिल रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। उसके पीछे रीजन यही है कि कार्बन में कैटेनेशन पावर होता है, और अलग अलग इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने देखिएगा। फर्स्ट है हाई कैटेनेशन कार्बन एबिलिटी, हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन टेट्रावेलेंसी जिसे क्वाड्रिवेलेंसी भी कहते हैं, क्वाड्रिवेलेंसी। कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म, और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। कार्बन एग्जिबिटिंग बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, जैसे अपन बात कर सकते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड शो करवाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग इज नोन एज कैटेनेशन। ओके, एलिमेंट विथ हाईएस्ट कैटेनेशन एबिलिटी इज कार्बन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म फोर बॉन्ड्स इज नोन एज टेट्रा वैलेंसी। द एग्जिबिट टेट्रा वैलेंसी, कार्बन फॉर्म्स ऑल फोर बॉन्ड, फोर सिंगल बॉन्ड्स, जिसे आप क्या नाम देते हैं, मिथेन टाइप, क्या कहेंगे, मिथेन टाइप। टू डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड जिसे एलीन कहा जाता है। इस तरीके से कार्बन
कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये वाला जो कार्बन होगा वो स्मॉल ए मतलब एलीन हो जाता है, वन डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से दो सिंगल बॉन्ड होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा, और इसको क्या कहा गया, इथाइलीन कहा गया, जिसे इस कार्बन को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वन ट्रिपल बॉन्ड वन सिंगल बॉन्ड, तो अपन कह सकते हैं वन सिंगल बॉन्ड और वन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये कार्बन हो जाता है आपके एसिटाइलीन, एसिटाइलीन। ओके, तो इस प्रकार सबसे पहले ये बात जो है वो कैकुले ने बताई थी कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है और ये चार प्रकार के कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकता है। ओके, मेथेन टाइप, एलीन टाइप, इथाइलीन टाइप और एसिटाइलीन टाइप के कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो अपन कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके 1s2 2s2 2p2, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ओके, यहां पर ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, क्लियर। अब ये क्या कर सकता है, फोर बॉन्ड क्रिएट कर सकता है इस तरीके से। ओके, फॉर एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज 501.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 501.6 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड होता है यहां पर एनर्जी एक्साइटेशन के लिए। फिर देखिएगा, हाइड्रोकार्बन से हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हो गई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ हो गई, और सेप एंड बॉन्ड एंगल हो गया। देखिएगा, सबसे पहले एल्केन, एल्केन में बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो sp3, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड एंगल और सेप, सेप हो जाता है टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, सेकंड है आपके एल्किन, एल्किन में sp2 यहां पर 1.34 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 1.08 एंगस्ट्रॉम, और सेप ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, और बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री रहता है। एल्काइन की बात करें यहां पर तो एल्काइन में आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.06 एंगस्ट्रॉम, और लीनियर 180 डिग्री 180 डिग्री, यहां पर जो शेप है वो हो जाती है लीनियर, क्या हो जाती है लीनियर, और 180 डिग्री 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है किसके लिए, एल्काइन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट्स और हाइब्रिड ऑर्बिट्स। ओके, पाई बॉन्ड इज फॉर्मड बाय लेटरल ओवरलैपिंग फॉर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो ऑर्बिट्स के हेड टू हेड कॉन्टेक्ट की ओवरलैपिंग से होते हैं, जैसे SS ओवरलैपिंग हो गई यहां पर, और ऐसे ही अपन बात करते हैं S और P ओवरलैपिंग की, तो हेड टू हेड कॉन्टेक्ट यहां पर सिग्मा बॉन्ड प्रिपेयर होगा। ओके, ऐसे ही अपन बात करते हैं यहां पर कि लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो यहां पर पाई बॉन्ड प्रिपेयर होता है। ओके, जैसे पी पाई ओवरलैपिंग जिसे कहा गया, क्लियर। फिर अपन बात करते हैं टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देखिएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड की कुछ बातें और कर लेते हैं यहां पर अपन। सिग्मा बॉन्ड जो होता है इसमें डीप ओवरलैपिंग होती है जिससे यह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड के कंपैरेटिवली। ओके,
जहां जहां सिग्मा बॉन्ड रहेगा वहां वहां सिंगल बॉन्ड परसेंट होता है। तो अपन कह सकते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर? टाइप्स पे चलते हैं अपन। देखिएगा टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी कार्बन मतलब वन डिग्री कार्बन एटम, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा हो। प्राइमरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन, और जो वन डिग्री कार्बन होगा उससे अटैच हाइड्रोजन भी वन डिग्री ही होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा सेकेंडरी कार्बन या टू डिग्री कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर टू कार्बन एटम। जैसे अपन बात करें कि एक कार्बन अदर दो कार्बन से अटैच है तो ये क्या होगा? टू डिग्री कार्बन एटम रहेगा। सेकेंडरी हाइड्रोजन इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। ओके, टर्शियरी कार्बन थ्री डिग्री कार्बन एटम, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनदर थ्री कार्बन एटम्स। जैसे अपन बात करें एक कार्बन जो है वो अदर थ्री कार्बन से अटैच है तो ये क्या रहेगा? थ्री डिग्री कार्बन एटम रहेगा। टर्शियरी हाइड्रोजन इज अटैच टू टर्शियरी कार्बन, और इससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा? टर्शियरी। नेक्स्ट देखिएगा क्वाटरनरी कार्बन फोर डिग्री कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड टू अनोदर फोर कार्बन एटम। जैसे अपन एक कार्बन देखें तो यहाँ पर चारों तरफ से सराउंडेड है, एक दो तीन और चार कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? फोर डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। क्लियर? फोर डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं है। फिर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये देखिएगा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें बॉन्ड और एटम शो किए जाते हैं, एथेन एथाइन ये एथीन सॉरी एथीन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस में बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, जैसे एथेन एथीन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, देखिएगा बॉन्ड्स के रूप में लाइनें शो की जाती हैं और उनको जिग जैक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जिग जैक एडी मेडी, ये देखो यहां से लेके यहां तक ब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन। ओके, थ्री डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वेज एंड डेस फॉर्मूला। थ्री डायमेंशन में आपको क्या लिया जाता है? वेज और डेस फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसमें देखिएगा वेज और डेस, इसको सॉलिड वेज कहा गया है और इसको डेस वेज कहा गया क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो क्रैकिंग है, देखो। ओके, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये देखिएगा इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। क्वेश्चन देखिएगा व्हाट द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड, एसिटिक एसिड, यूरिया, मेथेन, एथेन। तो यहां आंसर आ जाएगा यूरिया। यूरिया वाज सिंथेसाइज्ड बाय वोलर, कोल्बे, बर्थलॉट, ब्रिजेलियस। कोल्बे सिंथेसाइज्ड यूरिया, एसिटिक एसिड, यूरोट्रोपिन, मेथेन। यहां आंसर हो जाएगा बेटा यूरिया, कोल्बे एसिटिक एसिड। कोल्बे ने एसिटिक एसिड को एटम से या एलिमेंट से प्रिपेयर किया फर्स्ट टाइम। मेथेन वाज सिंथेसाइज्ड बाय बर्थलॉट, ब्रिजेलियस, कोल्बे, वॉलर। तो यह आ जाएगा बर्थलॉट। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय बर्थलॉट, कोल्बे, वॉलर, ब्रिजेलियस। आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे ब्रिजेलियस। क्लियर? ओके,